हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई होप कि यहाँ पे सब लोग जुड़ना शुरू हो चुके होंगे सेशन में अब जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आज वाला जो क्लास होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जो फेब और मार्च में जितने भी क्वेश्चन बने थे एक्चुअली मार्च की बात कर लें क्योंकि फेब के एंड से तो शुरू ही हुआ था तो यहाँ पे मार्च में जितने भी क्वेश्चन बने थे अभी एस में एस के एग्ज़ाम में वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहला काम जो होता है एक बार से लिंक को कॉपी करो और फटाख से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी क्लास में जुड़ पाया करें मनजीत कान्हा गौरव अनुराग रामप्रीत अपूर्वा राहुल दीप्ति क्या बात है ये गुस्से वाली तुम लोग इमोजी काहे सुबह सुबह भेजना शुरू कर दे तो भाई क्या हो गया चलिए अच्छा गुड मॉर्निंग अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखा करिए हर दिन सुबह सात बजे आप लोगों का मेन करंट अफेयर का सेशन रहता है उसे ज्वाइन करना मत भूला करिए इंपॉर्टेंट है अब आप ये चीज़ जानते हो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है ठीक है इसके अलावा आज आपको जो बर्निंग इशू मिलने जा रहा है उसमें हम लोग बात करेंगे तजाकिस्तान और चाइना और जो पामी नॉट वाला जो एरिया है जिसको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारा एंड ऑल तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे शाम को कितने बजे पौने छः बजे और उसके बाद कल सुबह आपको जो वीडियो मिलने वाला है सुबह आठ बजे उसमें आपको मिलेगा जो अयोध्या से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे ठीक है जो एग्जाम पॉइंट के प्लीज ध्यान दीजिएगा नो no बेकार की बातें ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं सिर्फ वो मिलने वाले हैं चलिए अच्छा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रेखा दुर्गेश अमर शिवानी सुनील कविता पूर्वा आकाश गौतम बागेश गुड मॉर्निंग चलिए अच्छा अब एक चीज और बता दें कल है सैटरडे सैटरडे को जहां हम लोग सुबह सात से आठ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसके बाद में साढ़े नौ बजे आपको कल ये सेशन यूट्यूब पे मिलने वाला है ताकि आपको पता चल सके कि जो स्पेशल क्लासेस होते हैं दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू तो उसमें हम लोग घटना चक्र के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं टोटल थर्टी क्वेश्चंस होंगे हां अप्रॉक्स थर्टी क्वेश्चंस होंगे जो डिस्कस करने वाले हैं राइट गुड मॉर्निंग इसका पी डी मिलेगा बेटा अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुआ अभी तो मैंने क्लास स्टार्ट भी नहीं किया पीडीएफ का टेंशन पहले हो गया तुम लोगों को चलो बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा अच्छा बताओ ऑल सेट क्लास शुरू किया जाए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आशीष इसका पी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाओगे ठीक है चलिए अच्छा तो एक बार से इसको कर देते हैं हम शेयर और उसके बाद यहाँ पर क्लास की करते हैं हम लोग शुरुआत ताकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर हो सके चलो अच्छा तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है पटाख से सवाल पढ़ो और जल्दी से आंसर करो क्योंकि ये पूरा इट्स जस्ट लाइक अ टेस्ट फॉर यू और ये तो वैसा वाला सवाल है मतलब क्या कहा जाए अब इसके बारे में क्या ही कहा जाए बताइए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि श्रीलंका के अंदर प्रेसिडेंट के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई थी और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं पहले ही आपको बता देते हैं मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे आपके सामने बताओ हाँ पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा डोंट वरी कह दिया पीडीएफ मिल जाएगा बस आंसर बोलो पीडीएफ देना बंद कर दें अरे वाह क्या कह दिया तुमने हम तो चाहते हैं ये इसका आंसर क्या बनेगा गोटा गोटाबाया राजपक्षे सिंपल दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन अब जब हम श्रीलंका की बात करेंगे तो कोलंबो जयवर्धनपुरम कोटा एक्सरसाइज हो जाएगी यहाँ पे स्लाइनिक्स और मित्र शक्ति नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ के पीएम कौन रहेंगे महेंद्र राजपक्षे नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मटाला एयरपोर्ट जिसको हम वर्ल्ड का एम एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं और हम्बन टूटा पोर्ट भी आपको यहीं मिलेगा जिसको चाइना ने लीज पे लिया हुआ है फॉर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर पे आओ. पे बताइए सवाल में पूछा जा रहा है भूपेश बघेल जी के बारे में पूछा गया था कि ये कौन से राज्य के सीएम है मतलब ऐसे जब सवाल दिखते हैं ना तो ऐसा लगता है यार मेरे को तो सारे क्वेश्चन आते होंगे तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले बताइए ओके एग्जैक्टली सौभाग्य बिल्कुल करेक्ट है यहां पे जो श्रीलंका है वो मीजल्स और रूबेला फ्री भी हो चुका है बिल्कुल सही बात है करेंसी स्वैप विद इंडिया अरे वाह ओके इसका आंसर बताइए क्या होगा ये जो भूपेश बघेल जी वो कहां के सीएम के रूप में नियुक्त किए गए थे आंसर विल भी छत्तीसगढ़ देखो जब हम ओडिशा की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे मालूम ही है कि नवीन पटनायक जी हरियाणा की बात करोगे तो मनोहर लाल खट्टर जी हो जाएंगे झारखंड की बात करोगे तो हेमंत सोरेन जी जो इलेवेंथ नंबर के सीएम हैं जिनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया था नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं बताइए यहाँ पे आपको फिजिशिय का नाम बताना है जिन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी करी थी न्यूट्रॉन की और इसके लिए इनको नोबल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था फटाक से आंसर करो अच्छा आपको एग्जाम भी नहीं जाने दिया गया था क्यों छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लोक अदालत एग्जैक्टली exactly, छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे पहले इसको शेड्यूल किया गया बिल्कुल करेक्ट है आंसर क्या बनेगा यहाँ पे जेम्स चैटबिक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जेम्स चेटबिक अजी जोगी जी वो जो थे वो सबसे पहले सीएम थे जिनकी अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई है बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको नोबल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था कौन से एम एन थर्टी में नोबल प्राइज से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है वो है पीस प्राइज जो पीस वाला है वो किसको गया है एबे अहमद जी को दिया गया है इथोपिया से ठीक है ना कंट्री भी पूछ सकते हैं इथोपिया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फॉर फॉलोइंग स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स का नाम बताना है यहाँ पे ड्रोनावली हरिका ये कौन से खेल से नाम जो है वो जुड़ा हुआ है क्योंकि अभी हाल ही में इनको पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था आंसर अच्छा तन्मय और चंदन भी हैं क्लास में गुड मॉर्निंग विशाल सचिन मुकेश मनदीप प्रहलाद खुशबू छत्तीसगढ़ बेटा छत्तीसगढ़ में अच्छा ई सचिवालय पूछ रहे हो आप हरियाणा के अंदर हरियाणा में लॉन्च किया गया था ई सचिवालय राधिका चेस चेस इज द आंसर देखो कुछ लोगों का आर्चरी भी आ रहा है चेस इज द करेक्ट आंसर तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाता है इनके बारे में तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा अगला देखिए हु इज द फर्स्ट एंड करेंटली द ओनली बैट्समैन हु फर्स्ट एंड करेंटली द ओनली बैट्समैन टू स्कोर दी डबल हंड्रेड इन द फोर कंजिक्यूटिव टेस्ट सीरीज यानी कि चार बार लगातार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल सेंचुरीज लगाई है प्लेयर का नाम आपको बताना है प्लेयर का नाम ग्रेट रेनेसा डैम एग्जैक्टली इथोपिया के अंदर नाइल रिवर के ऊपर जिसका डिस्प्यूट है इजिप्ट और इथोपिया के बीच में और इथोपिया की जो कैपिटल है वो है अदीज अबाबा जहां पे आपको अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है हितेश मुकेश मानसी दिलीप नैन्सी यश आंसर बोलो इसका डी विराट कोहली होगा देखो कुछ लोग का डी भी आ रहा है कुछ लोग का रोहित शर्मा आ रहा है आंसर विल बी विराट कोहली नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको तीन जगह के नाम नज़र आ रहे हैं ठीक है थीके? पहला है कोला थुनाडू उसके बाद है वलू बनाडा और उसके बाद तीसरा जो है ये भी बहुत ही खतरनाक सा है थेकुम कोल अब यहाँ पे तीन ऐसी साइट के नाम लिखे हुए हैं एक्चुअली किंगडम हुआ करती थी आपको बताना है कि ये जो किंगडम थे वो भारत के कौन से राज्य में हुआ करते थे ये किंगडम भारत के कौन से राज्य में हुआ करते थे बेटा इट्स नॉट रोहित शर्मा ये रोहित शर्मा इसका आंसर नहीं बनेगा ओके okay. शर्मा जी का बेटा गाइस एक बार से प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर देना केरला होगा बिल्कुल सही आ, आंसर यहां पे आंसर विल बी केरला देखो केरला से अभी क्या याद रखना है आपको के फोन नाम का जो एक इनिशिएटिव लिया गया है केरला के अंदर शुरू किया गया है तो आपको कम से कम ये भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कोविड के जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब केसेस शुरू हुए थे अब तो वैसी वाली बात है कि हर गली में कोविड मिल जाता है लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जो केसेस वगैरह मिले थे वो कहाँ से कोविड से ही शुरू हुए थे फिर रेमिटेंसेज वाला भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इंडिया में जो मैक्सिमम रेमिटेंसेज आता है वो कौन से स्टेट में आता है यहाँ पर भी हम लोगों ने केरला के बारे में बात करी थी ठीक है चलिए अच्छा अगला बताओ सर थॉमस रो आपको बताना है यहाँ पर कि जब ये थॉमस रो जब भारत में आए थे तो उस टाइम पर मुग़ल शासक कौन थे या किसके कोर्ट में आए थे सिंपल आज आपको पता चल जाएगा कि आप लोग कहां पे स्टैंड कर रहे हो क्योंकि अगर इन क्वेश्चन में टोटल थर्टी क्वेश्चन हैं अगर ट्वेंटी फाइव अटेम्प्ट कर लेते हो तो दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर फॉर द एग्जाम करेक्ट निशी गुड मॉर्निंग अरे यार ऐसे रोया मत करो प्लीज क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर विल भी जहांगीर सिंपल है देखो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कोर्ट की बात करेंगे तो आपको ये चीज मालूम है 16:05 का जब टाइम था इस टाइम पे आपको कौन मिला था जहांगीर मिलते थे क्योंकि अकबर उस टाइम तक उनकी डेथ हो चुकी थी ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे अगले सवाल पे आते हैं नेम द मीडिया कंपनी दैट परचेज द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स आपको बताना है कि यहाँ पर ये यह जो फॉक्स नाम का एक स्टूडियो का नाम है देखा हो ना काफ़ी सारी जो हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं कुछ कार्टून मूवीज भी होती हैं जहाँ पर लिख के आता है फॉक्स प्रेजेंस तो आपको बताना है यहाँ पे कि इसको किसने अभी हाल ही में हायर किया है सी के बाद ऐसे सोचता कौन है जल्दी से आंसर बताओ कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है कि हम पूछते हैं और आप लोग तो जवाब देते हैं वरना हर बार तो मेरे को ही बताना पड़ता है गुड मॉर्निंग शुभम डिज्नी डिज्नी सबका आंसर आ रहा है डिज्नी डिजनी बायकॉम बायकॉम भैया डिजनी इज़ द करेक्ट आंसर तो यहाँ पे वर्ल्ड डिजनी कंपनी जो है उसको अभी हाल ही में उन्होंने हायर किया हुआ है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे किसने हायर किया ये पूछा है सकता किसको हायर किया ये भी पूछ सकते हैं अगला वट इज द मोर कॉमन नेम फॉर द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं यार पता है ये सवाल जो ना क्लास टेंथ से सुनते सुनते हम तो थक चुके हैं अब तुम लोग आंसर करो इसको okay. ठीक है देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ड्राई सिंपल है आंसर क्या बनेगा यहाँ पे ड्राई आइस रहेगा ये तो बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा कि जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये इसका नाम ये हो जाता है बिकॉज इट डज नॉट मेल्ट इन टू द लिक्विड वेन हीटेड जब इसको हीट किया जाता है ना तो ये क्या होता है मेल्ट नहीं होता है अगला देखिए विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी बोन है जो कि ह्यूमन ईयर का पार्ट नहीं है ध्यान देना यहाँ पे नहीं है पूछा है पार्ट नहीं है आंसर क्या बनेगा यहाँ पे फीमर ठीक है आंसर विल बी फीमर 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 एक्चुअली ये क्या है ना लॉन्गेस्ट भी होता है स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है और ये आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिलता है तो द मेन फंक्शन ऑफ द फीमर इज वेट बेयरिंग एंड स्टेबिलिटी अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि इसका फंक्शन क्या होता है तो एक ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है आपको ठीक है चलिए अच्छा नेक्स्ट पे आओ विच ऑफ फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय सलमान रुश्दी अब आपने ये नाम तो सुना ही होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनका जो नाम है ना हमेशा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी में आता ही रहता है जैसे कि शशि थरूर जी का नाम है कभी भी कोई किताब आएगी तो देखोगे हमेशा हमेशा उनका नाम जो है वो चर्चा में आ जाता है उसी तरीके से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी किताब है जो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है थोड़ा ध्यान देना मैंने आंसर बोल दिया है वैसे एन एरो ऑफ डार्कनेस अच्छा किसने लिखी है ये किताब में बताना एन एरो ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है फिक्शन की कैटेगरी में अवार्ड भी मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड अब जल्दी से बता दो कुछ लोग स्किप भी कर रहे हैं कुछ लोग लास्ट वाला ऑप्शन भी बता रहे हैं भाई शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है ठीक है अगले सवाल पे आइए देखो खाने पीने की चीज हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा आपको मालूम होना चाहिए तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है पटाख से कमेंट सेक्शन में आंसर करो देखो न्यूयॉर्क के अंदर तो आपको यूएन का मिलेगा और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है जब हम ब्रोजल्स बोलेंगे तो यहाँ पे नाटो का यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है पेरिस बोलेंगे तो यहाँ पे आपको यूनेस्को का मिलेगा और ओई सी डी का हेडक्वार्टर मिलेगा आंसर क्या बचा लास्ट विल बी रोम रोम इज द करेक्ट आंसर अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा जब आपसे पूछा जाएगा एफ एओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो भी आंसर क्या बनेगा रोम इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो देखिए गुड मॉर्निंग अब है अब गुड मॉर्निंग हो रहा है तुम्हारा वहाँ अगला सवाल वट इज़ द यूनिफॉर्म जीएसटी रेट आपको जीएसटी रेट बताना है जो लॉटरी प्राइसेस होते हैं ना उस पर जीएसटी रेट कितना लगता है अब जीएसटी से देखो आपके दिमाग में तुरंत से आना चाहिए कि जो जीएसटी है सबसे पहले ठीक है इंडिया में हर स्टेट में लेकिन इसके साथ आपको क्या याद रखना है कि अमेंडमेंट जो हुआ है जीएसटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दैट इज वन जीरो वन और ये किस तरीके का एक टैक्स है दिस इज अ इनडायरेक्ट टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है ओके फूड सेफ्टी डे इट्स ऑफ सेवेंथ ऑफ जून वाह वेरी गुड अबे है हाँ बताओ लिस्निंग सुन रहे हैं बताओ क्या हुआ ट्वेंटी एट परसेंट अट्ठारह परसेंट सारे तो ऑप्शन बता लिए थर्टी टू परसेंट किसी ने नहीं बोला वो भी बोल लो कोई अगर कहना चाहता है इसके बारे में तो आंसर विल भी ट्वेंटी एट परसेंट अट्ठारह में और अट्ठाईस में इसमें डाउट है अट्ठाइस इज द राइट आंसर ट्वेंटी एट परसेंट इज द राइट आंसर भाई देखो अगर कोई मेरे को बोला कि मैम इसका आंसर मुझे नहीं पता तो सोच लेना फिर सवाल में पूछा जा रहा है करतारपुर कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया और इंडिया का जो पंजाब वाला एरिया है उसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि इसको अभी हाल ही में किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है मैंने आपको बताया हुआ है कौन सी रावी रावी नदी के ऊपर इसकी लोकेशन है अच्छा अभी आज आपका पहला क्लास है ओके तो एक काम कर लीजिए आप टेलीग्राम पे पहले तो मुझे ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का लिंक क्या है अभी क्लास के लास्ट में आपको बता देंगे उससे क्या होगा जो भी क्लासेस होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा वैशाली चलिए नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर जो हमारे पीएम है उनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था और हाँ जब भी ये नाम आएगा ना जैसे करतारपुर कॉरिडोर हो गया या पंजाब हो गया तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो खालिस्तान के ऊपर सवाल पूछा सकता है तो बी प्रिपेयर अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाइए इन विच ईयर सांची स्टूपा वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बींग एबेंडेंट फॉर नियरली सिक्स हंड्रेड ईयर्स आपको बताना है कि सांची स्टूपा का जो निर्माण है वो कब हुआ था या फिर हम कह सकते हैं इसको डिस्कवर कब किया गया था सांची स्टूपा है कहाँ पर पी और ये भी बता देना कितने रुपए के नोट के ऊपर आपको सांची स्टूपा देखने को मिलता है देखें जरा चलो निशी कुमारी बेटा जो भी क्वेरी है आप टेलीग्राम पे मेरे से अलग से मैसेज करके पूछ लो अभी थोड़ी देर बाद जो आपका चैट बॉक्स है वो ओपन भी हो जाएगा लेकिन जब भी कोई क्वेरी हुआ करे ना तो मुझे अलग से मैसेज ड्रॉप किया करो क्योंकि चैट में इतने सारे मैसेजेस हो जाते हैं कि उसमें से ढूंढ पाना क्वेरी को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हाँ जी इसका और हाँ भाई जो पेड वाला बैच शुरू हो रहा है जीएस का बीस तारीख से शुरू हो रहा है लिंक आपका टेलीग्राम पे शेयड है एक बार वहां से देख जरूर लीजिएगा नंदिता वो देखो पता नहीं मैम पता नहीं आज से क्या हो जाएगा एटीन एटीन अब मुझे ये तो बता दो कितने रुपए के नोट पे पचास रुपए पे बेटा पचास रुपए पे होगा तो फिर बेचारा हम भी कहाँ जाएगा बताओ तुम्हें बता दो अब पांच सौ रुपए दो सौ रुपये गरीमा तो दो हजार नहीं बोला वरना तो वो मार जो है ना वो नीचे ही बोलता है क्या बातें कर रहे हो सौभाग्य so, टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे आप पूछ लो देखो सिंपल कुछ नहीं करना है टेलीग्राम पे जाओ वहां पे जाएंगे आप तो एट द रेट जीएसवाई कृति करके सर्च करिएगा आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा वहां पे ज्वाइन करो मेरा नाम सर्च कर लेना उस पर और वहां से मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दो तो, सिंपल ठीक है हाँ हम तो सोच रहे हैं मार्च को कल से पढ़ाना शुरू करते हैं वो देखो दो हजार के नोट पे खैर विच ऑफ दिस वर्ड रिफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डोमेस्टिक डॉग्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं यानी कि जो यहाँ पर पेट हम लोग रखते हैं ना घर में उसकी स्टडी को उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं आप कहेंगे ये कैसा सवाल है अरे मैंने कुछ नहीं किया भैया ये क्वेश्चन आया हुआ है टू पक्का सात के नोट पे बहुत बढ़िया इसके लिए तुमको ऑस्कर अवॉर्ड मिलेगा सौभाग्य तो चंद्र मिश्रा बेटा मैंने बताया तो आपको आप टेलीग्राम पे जाके एक मैसेज ड्रॉप कर दो या मेरे को एक मेल ड्रॉप कर दो प्रति डॉट सिंह एट द रेट अन अकेडमी डॉट कॉम पे अच्छा चंदन यहां पे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा सी होगा चलो लेट्स सी क्या आंसर यह बनेगा ऑप्शन नंबर टू इज़ द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे बाकी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ताकि जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आपको प्रॉपर तरीके से मालूम होगा अगला बताओ अराकू वैली ये एक टूरिस्ट प्लेस है ठीक है आपको बताना है कि इसकी लोकेशन इसमें से कहाँ पर है कौन से प्लेस पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है अराकू वैली ओके okay. बेटा जितने क्वेश्चन बन सकते थे मार्च के उतने उठाने की कोशिश करी उतने लेके क्योंकि एक ही क्लास में सारे सवाल तो पॉसिबल पॉसिबल नहीं थे बट जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे ऐड कर दिए आंसर क्या बनेगा यहाँ पे विशाखापट्टनम विजैक इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे विजैक इसका आंसर बनेगा जब भी मदुरै आएगा तो बैगई रिवर का नाम याद रखिएगा मीनाक्षी टेम्पल दैट इज तमिलनाडु इतना याद रखना अगला देखो यहाँ पे प्रोलिफिक इंडियन पेंटर आपके सामने नाम भी है अब ये नाम तो सबको मालूम है यहाँ पे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है ऑफ दीज एनिमल टू डिपिक्ट मतलब यहाँ पे इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका इस्तेमाल किया गया था ये दर्शाने के लिए अ लाइवली एंड फ्री स्पिरिट इन हिज पेंटिंग मतलब अपनी पेंटिंग्स में एक फ्री स्पिरिट को दिखाने के लिए इसमें से कौन से एनिमल का इस्तेमाल किया गया आंसर करो ये थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ इस क्वेश्चन पे शायद आप लोग थोड़ा सा मेल आई डी है कृतिकॉट सिंग एट द रेट अन अकेडमी डॉट कॉम एलिफेंट होगा एलिफेंट होगा अच्छा देखते हैं आज भी हॉर्स पता नहीं कहां से एलिफेंट तुम लोग ले आए हो देखिए यहां पर ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है कि यहां पर किसका यूज किया गया था और ये भी ध्यान रखेगा कि इनको कुछ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया जैसे कि पद्म भूषण अवार्ड हो गया या फिर पद्म विभूषण अवार्ड हो गया दोनों से इनको सम्मानित किया गया अगला सवाल हम पे अब मैं नहीं बता रही इसके बारे में ये तो आपको मालूम है कि पचास रुपए के नोट पर है ये ठीक है और ये जो है वो उस टाइम पे कैपिटल भी रहा करता था किसका विजयनगर एम्पायर का अब आपको बताना है ये कौन से स्टेट में है एक पॉइंट और बता देते हैं ये तुंग भद्रा नदी के किनारे पर है अब बताओ और लग रहा था लग रहा था मैम लेकिन पता नहीं था कि हो सकता है या नहीं हो सकता है वो देखो टाइगर भी आ रहा है किसी का जब से ग्लोबल टाइगर डे क्या तुम लोग मनाए हो हर दिन लगता है तुम लोग को टाइगर ही टाइगर नजर आता है प्यार का पौधा पूछ रहे हैं ऐसे प्रश्न कौन देता है बेटा ऐसे प्रश्न एस देता है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है आंसर विल भी कर्नाटका क्या बनेगा कर्नाटका तो हम भी मैंने आपको बताई दिया इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा द्रविडियन स्टाइल मैंने आपको बताया था जैसे कि अयोध्या टेम्पल है है ना अयोध्या मंदिर जो है वो कौन से स्टाइल का है नागरा स्टाइल है इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे लेकिन जो आपके साउथ के मंदिर वगैरह होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं द्रविडियन स्टाइल के होते हैं अगला बताओ हु अमंग प्लेड द लीडिंग लेडी आपको बताना है मिशन मंगल में यार अब क्या इसमें क्या क्वेश्चन रीड करें बताओ मिशन मंगल एक्ट्रेस का नाम बताना है भाई ये है नहीं ये है नहीं ये है नहीं बचा कौन सा ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर तो यहां पे ध्यान रखिएगा अच्छा एक चीज और यहां पे पूछी जा सकती है मिशन मंगल के डायरेक्टर का नाम तो जगन शक्ति ठीक है ठीक नेक्स्ट देखो यहाँ पर विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फिक्स द रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट मतलब अगर ये मुझे बताना पड़े तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बताइए इसमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है या फिर इंस्टीट्यूशन है जो रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट को निर्धारित करता है विनीत क्या रिप्लाई नहीं दिया भाई बताइए क्या रिप्लाई नहीं दिया ओके ठीक आरबीआई होगा चलो आरबीआई इज द करेक्ट आंसर आज सुबह ही बताया था कि रेपो रेट जो है वो फोर परसेंट रखा गया है तो दिस इज वेरी इजी कि हम लोग को ये चीज मालूम होनी चाहिए अगला बताओ रेड वॉर्म हैव अ स्ट्रक्चर नेम्ड डैश विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड आपको बताना है यहां पर रेड वार्म के बारे में यहां पे आंसर क्या बनेगा ठीक है अच्छा हाँ ये भी बता दें कि आज भी आप लोगों का जो स्पेशल क्लास लगा हुआ है उसमें हम लोग एनसीआर से जो मनी वाला चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोपहर तो में दो बजे और शाम को छह बज के दस मिनट पे आप लोगों के लिए जो सेशन होगा वो रहेगा पॉलिटी के लूसेंट का ठीक है चलो इसका आंसर क्या बनेगा आप पे सिंपल अच्छा अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे ऐसा करके आ जाओ कि उसमें लेजल बैठ के ढूंढ रहे हो ऐसा मत करना कि यहाँ पे गिजार लिखा है तो वहां पे बैठ के लेजल ढूंढ रहे हैं और आज तो मैंने आपको बताया था वो जो टिक है ना उसकी वजह से एक नया जो वायरस आ गया चाइना के अंदर ऑथर हुई अवार्ड टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है अभी मैंने आपको इस किताब का नाम बताया था बस जल्दी से बता दो कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है अभी मैंने आपको जस्ट बताया था आंसर अच्छा। ओके uh, okay. होता है कई बार पता है इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी कि आता था सब कुछ पेपर में लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंच पाते हैं दिस इज़ वेरी कॉमन ये यूजुअली लोगों के साथ हो जाता है इसका आंसर क्या बनेगा शशि थरूर जी इज द राइट आंसर अगला बताइए यहाँ पर आपको बताना है कि सोशल रिफॉर्मर फ्रीडम फाइटर और यहाँ पर एक और नाम है फेमिनिस्ट यहाँ पर आपके सामने नाम लिखा हुआ है आपको बताना है कि कौन से स्टेट से ये जो नाम है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है जैसे अभी मैंने बताया था पाटिल जी का नाम बताया था अभी परसों की बात है मैंने आपको बताया था कि वो सीएम के रूप में काम कर चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर इसी तरीके से आपको अजीत जोगी जी का नाम बताया तो अब ये बता दो कि सावित्री बाई फुल्ले स्टेट का नाम पटाख से आंसर करो और हाँ नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल है वो भी अभी क्लास के लास्ट में हम आपको बता देंगे आंसर क्या हो जाएगा महाराज हिंट दे देते हैं तुम लोग को उसके बाद भी सोच रहे होते हो कि पता नहीं क्या आंसर बनेगा यहाँ पर अगला देखिए सुल्तान काबूज बिन सईद आपको बताना है यहाँ पर कि ये कौन सी जगह का प्लेस का नाम आपको बताना है ठीक है द अरब वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर अरब नेशन जो हैं जितने जैसे कि यू हो गया सऊदी अरेबिया हो गया यमन हो गया ये जो अरब नेशंस हैं इसमें सबसे लंबे टाइम तक के लिए इन्होंने सुल्तान के रूप में काम किया है ठीक है आपको बताना है जगह का नाम प्लेस का नाम एट विच प्लेस वो देखो किसी का राजस्थान आ रहा है गजब भाई रमेश ओरिसा में जो मो शब्द होता ना, my, है ना दैट इज माई जब ऐसे लिखते हैं ना मो इसका मतलब होता है माई ओके आंसर ओमान इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया अच्छा आप एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब हम ओमान की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए एसएससी के बारे में चलो अच्छा अभी बात करते हैं ओमान के पॉइंट पे आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो बॉर्डर है ना वो यमन के साथ में शेयर करता है और थोड़ा सा अगर यमन के जस्ट ऊपर देखोगे तो आपको सऊदी अरेबिया की लोकेशन मिलती है ठीक है लेबनन अभी न्यूज में चल रहा था इसराइल के जस्ट ऊपर आपको लेबनन मिलेगा तो ये जो आपका पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एशिया है ना इसकी एक बार से लोकेशन काफी अच्छे से पढ़ डालो क्योंकि एग्जाम में सवाल यहाँ से बनते हैं अगला बताइए कर्नाटका का ऐसा कौन सा जिला है ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है और ब्रह्मगिरी का जो पठार है जो प्लेट्यू है यहां से भी एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है जिसका नाम क्या है जल्दी बताओ एग्जैक्टली अनुराग दुकम पोर्ट जो है वो इंडिया के साथ में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है उसके लिए राइट डिस्कस वन पॉइंट ऑफ आंसर्स विच वन विच वन ये तो बताओ बेरुत एग्जैक्टली लेमन की कैपिटल क्या है बेरुद है बिल्कुल सही है यहाँ पर स्किप हो रहा है स्किप क्यों कर रहे हो लास्ट लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कुडागो इज द करेक्ट आंसर ये डिस्ट्रिक्ट है अच्छा कर्नाटका के अंदर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूजुअली सवाल पूछा जाता है आपसे गडगिल कमेटी के ऊपर ये जो कमेटी बनाई गई थी ना ये कुद्रमुख नेशनल पार्क के लिए बनाई गई थी ताकि उस एरिया को सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जा सके अगला सवाल आपको बताना है यहाँ पे कि इसमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसका मीनिंग होता है मैरी मेकिंग ऑफ गॉड्स जिसका मीनिंग होता है मैरी मेकिंग ऑफ गॉड्स आपको फेस्टिवल का नाम बताना है हिजबुल्ला एग्जैक्टली हिजबुल्ला हो गया हाउदीज़ हो गया आपका ये क्या नाम है वो कौन सा था कुर्दीज हो गया ये कुछ ऐसे नाम है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मैच करने को आ जाता है फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव शुभांकर कभी चलते एक काम करते हैं। सुबह सात बजे के क्लास में उमान सीधे घुमा ही देंगे ना कल के सुबह सात बजे के क्लास में प्रॉब्लम क्या है क्या आंसर बनेगा यहाँ पे लय हरूबा जरा बताना मुझे कौन से स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने इस फेस्टिवल के बारे में पढ़ा भी था जल्दी बताओ कौन से स्टेट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है देखो पोंगल सबको मालूम है दिस इज फॉर तमिलनाडु दिवाली की क्या बात करी जाए अब क्या ही बोला जाए मकर संक्रांति मालूम ही है खिचड़ी वाला जो दिन होता है तो फिलहाल यहाँ पे बता दो लाई हरोबा कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है स्टेट का नाम स्टेट का नाम जल्दी बताओ ये अभी तक शशि थरूर वाले क्वेश्चन पे कौन अटका हुआ है हाँ कहां पे सेलिब्रेट होता है दिस इज त्रिपुरा त्रिपुरा इसको सेलिब्रेट किया जाता है अगला देखिए इन विच ईयर वाज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर मुंबई के अंदर इसकी शुरुआत कब करी गई थी अब जैसे कि पूछा जाए अयोध्या टेम्पल जो है, इसकी शुरुआत कब करी गई तो आंसर मांग करके आ सकते हो फिफ्थ ऑफ ऑक ईजी है उसी तरीके से बता दो इसका आंसर क्या बनेगा वो देखो मणिपुर आ रहा है कजब हो यार मतलब डोंट नो डोंट नो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1911 1911 के टाइम पे यहाँ पे इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई थी आप देख सकते हैं यहाँ पे किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मेरी जब ये आए थे यहाँ पर उस टाइम पे इसकी आधारशिला रखी गई थी अब चलो अगले सवाल पे आते हैं वट वॉज इंडिया पोजिशन इन द ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग टू थाउजेंड नाइनटीन ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग जो है उसमें इंडिया की रैंकिंग टू थाउजेंड नाइनटीन में क्या रही जैसे कि अभी मैंने आज आपको एक रैंकिंग बताई थी और जितने भी पुरानी रैंकिंग से उसकी पूरी एक लिस्ट भी प्रोवाइड करी है सुबह सात बजे के क्लास में आप में से जितने लोग ऐसे हैं जो सुबह सात से आठ के क्लास में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हो क्लास में नहीं आते हो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हो फिर कहते हो कि मैम ये डाउनलोड नहीं हो रहा है तो बेटा प्लीज़ थोड़ा सा समझो इस चीज़ को कि अगर एक टाइम फिक्स हो जाता है आपकी क्लास का तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है ठीक है तो उस टाइम पे क्लास में रहा करो अच्छा ठीक है चलो आंसर डेली एज अ कैपिटल एग्जैक्टली और बताओ इसका आंसर बताओ इसके फोने लगा भैया इसका आंसर होगा सेवन्थ फिफ्थ नहीं है इसका आंसर सेवन्थ होगा ये तुक्का लगाए हो तुम लोग डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पे तुक्का लगाए हो तो आप देख सकते हैं नंबर वन पे कौन है दिस इज यूएसए और इंडिया की रैंकिंग क्या है इंडिया इज ऑन नंबर सेवन अगला देखिए बिचो ऑफ दी फॉलोइंग इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ विनेगर विनेगर में इसमें से क्या पाया जाता है भैया ये मत बोल दियो तुम लोग तो बेजती वेजती भी करा दोगे ये मत बोल देना बस जस्ट टेन मिनट्स मोर दस मिनट और क्योंकि टोटल थर्टी क्वेश्चन है ना मार्च से थर्टी क्वेश्चन निकाले थे तो एक बार खत्म हो जाए फिर क्लास करेंगे क्या बनेगा यहाँ पे एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो विनेगर होता है उसमें किसका कंटेंट होता है एसिटिक एसिड का कंटेंट होता है अप्रोक्सीमेटली तीन से नौ परसेंट तक ठीक है जो कि देखो वो होता है ना जो खट्टा टेस्ट आता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अगला विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्टिब्रेट नहीं है थोड़ा ध्यान से आंसर करना ठीक है क्या हो जाएगा स्नेल अच्छा स्नेल अगर वर्टिब्रेट नहीं है तो क्या है अगर ये पूछ लिया तो ऑब्वियस ही बात है बोलोगे इनवर्टिब्रेट है अब देखिए जिसमें आपको सॉफ्ट बॉडीज मिलती हैं जितने ऐसे यहां पर एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडीज होती है वो सॉफ्ट होती है उनको हम किसमें रखेंगे इनवर्टिब्रिट के अंदर रखा जाता है ये ईजी तरीका होता है चीजों को याद करने का अगला देखो यहाँ पे हु अमंग दी फॉलोइंग वॉज अ लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी का जो साम्राज्य था उसमें सबसे आखिरी शासक के रूप में किसका नाम जाना जाता है ये देखो दीप्ति ने यहाँ पे सर पकड़ लिया है शेट गलत हो गया है चलो आंसर हो जाएगा यहाँ पे धनानंद अब आप कहेंगे मैम धनानंद कैसे तो जरा नाम याद रखिएगा इनका जो रियल नेम था वो आपके सामने लिखा हुआ है एंड ही वॉज द मतलब ये वो पर्सन थे जिनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई सवाल में क्या पूछा गया था लास्ट रूडर पूछा गया था तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे धनानंद ठीक है अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं नंदा डायनेस्टी आ ही गया है तो लगे हाथ पूछ लेते हैं गंगा डायनेस्टी के बारे में भी जरा बताना गंगा डायनेस्टी के द्वारा कौन सा ऐसा मंदिर है जो बनवाया गया है गंगा डायनेस्टी के द्वारा कौन सा ऐसा मंदिर है जो बनवाया गया फटाक से आंसर करो जल्दी से आंसर आना चाहिए इन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड मेला जो है वो भी हाल ही में कहां पे सेलिब्रेट किया गया देखो तो इसको मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर बट अभी यूज पर हुआ ये आपको बताना है सिद्धार्थ जी हाँ मैं यूपी पी वाली कैटेगरी में भी पढ़ाती हूं और अगर किसी को भी ये वाला बैच अवेल करना है तो उसमें दो क्लासेस हो चुके हैं और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए भी टेलीग्राम पे लिंक है अभी हम आपको क्लास के लास्ट में बता देंगे ठीक है कोना सन टेम्पल कोनाक सन टेम्पल सब लोग कोनाक बोल रहे हो अच्छा और जगन्नाथ मंदिर नहीं होगा जगन्नाथ टेम्पल नहीं होगा चलिए इसका आंसर क्या बनेगा गुजरात इज द करेक्ट आंसर अब ये ध्यान रखिएगा कि गुजरात के पॉइंट से टीजर गन हो गया या फिर अगर आप देखोगे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो गया उसमें भी नंबर वन पे तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं अगला देखिए ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन नोनेस जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं जो रात में चमकदार नजर आती हैं चमकीली दिखती हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं अरे मैं सारे क्वेश्चन तो करा दूं लेकिन जितने क्वेश्चन आज लेकर आ पाए उतने ही तो कराएंगे अभी एसएससी भी ज्वाइन कर लिया क्या ज्वाइन कर लिया एस एस सी में चलो सेले बॉडीज इनको बोला जाता है ठीक है कोनार टेम्पल जिसे हम ब्लैक पगौड़ा के नाम से भी जानते हैं चलिए अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगले उस उसपे आते हैं मतलब अब कैसी बातें करोगे ये बताना पड़ेगा मुझे जरा बताइएगा दादा साहब अवार्ड जो हुआ था उसमें ऑनर किसको दिया गया हम ये कह सकते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया और दादा साहब फालके अवार्ड में जो डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड गया है वो आपको याद होना चाहिए हनी हंटर फॉर दी अरुणाचल प्रदेश उल्का पिंड को बोलते हैं अच्छा 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 चलो आंसर क्या हो जाएगा अमिताभ बच्चन जी को सर्व से सम्मानित किया देखो इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये कौन से नंबर का था नंबर का था ठीक है विच ऑफ दी फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन लंग्स आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि लंग्स के बीच में होता है आंसर थर्टी क्वेश्चन है मुकेश क्या बनेगा यहां पे थाइमस इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट पे आते हैं 2020 होम मिनिस्टर अमित शाह जी जिनको अभी हाल ही में कोविड हो गया इनके द्वारा एक किताब रिलीज करी गई जिसका नाम था कर्म योद्धा ग्रंथ आपको बताना है कि ये जो किताब है दिस बुक इज बेस्ड ऑन दी लाइफ ऑफ ये किसकी लाइफ पे आधारित है मतलब ये तो सोचना ही नहीं है यार सोचने की जरूरत भी नहीं है बस आंखें बंद करके ऐसे टिक मार के चले आइएगा चलो अगला देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट आर नागर स्वामी वॉज ऑनर्ड विद द सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द आर्ट आपको बताना है कि कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं सिंपल सा सवाल है कि इनको भी रिसेंटली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया कंट्री का नाम पूछा गया शुभांकर मैं अभी क्लास के लास्ट में बता रही हूँ जस्ट गिव मी फाइव मिनट्स अभी क्लास के लास्ट में हम आपको इसके बारे में बता देंगे बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर अगला देखो यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द नाइंटी फिफ्थ एडिशन ऑफ प्रेस्टीजियस एस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस हेड आपको बताना है कि ये जो इंटरनेशनल चेस कांग्रेस है अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था जिसके चलते इसको एग्जाम में पूछ दिया गया था आंसर बनेगा इंग्लैंड इंग्लैंड के रिस्पेक्ट में यूके के अंदर जितने भी हेडक्वार्टर्स आते हैं सबकी लिस्ट मैंने आपको बताई हुई है प्लीज उसको याद कर लीजिएगा अगला देखो वेन वी कट अ अनियन अनियन जो होता है ना जब हम उसको कट करते हैं तो इसमें से जो आपको एक एग्जाइम वो एंजाइम नजर आता है ना वो क्या होता है कन्वर्ट होता है किसमें अमीनो एसिड में अब आपको बताना है कि ये जो एसिड फॉर्म होता है कन्वर्ट होने के बाद जो एसिड फॉर्म होता है उसका नाम क्या है देखो ये है नहीं ये है नहीं बचे दो ऑप्शन बचे दो ऑप्शन पटाखे आंसर करो बेल्जियम आंसर आ रहा है गजब हो यार क्या बनेगा यहाँ पे सल्फेनिक एसिड इज द करेक्ट आंसर करेक्ट राइट सल्फेनिक एसिड इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट देखते हैं आई थिंक दो या तीन ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं क्योंकि मैंने कोशिश करी थी कि मैक्स टू तो मैक्स क्वेश्चन लेके आया जाए अगला देखिए द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली अडोप्टेड अ न्यू लोगो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी विधानसभा ने अभी हाल ही में एक नया लोगो एडॉप्ट किया है और वो क्या है ऑर्किड के फ्लास वो वाली मूवी देखे हो आ... क्या नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो पहली वाली आई थी उसमें ऑर्किड के फ्लार काफी ज्यादा दिखाए गए थे तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर अगला विंग इंडिया 2020 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था या फिर कौन से एयरपोर्ट पे आयोजित किया गया था आंसर करो फटाक से एसएससी का क्रैश कोर्स नहीं है बेटा वो दिस इज is... इसको क्रैश कोर्स नहीं बोलते हैं क्रैश कोर्स वो होता है जो आपका बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है जिसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना होता है बट मेरा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो बेसिक टू हाई लेवल जाएगा मतलब बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे बेगमपेट एयरपोर्ट जल्दी से बता दो कि कौन सी जगह पर है विंग इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी कहाँ पर आयोजित हुआ था या तो ये बता दो या फिर एयरपोर्ट कहाँ पर है क्योंकि एयरपोर्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और ये मैंने आपको पढ़ाया था जल्दी से आंसर करो पटाख से आंसर अच्छा अगला देखिए इन विच स्टेट वॉज द ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जिसका नाम क्या है यहां पर एसियन ट्वेंटी ट्वेंटी ऑर्गेनाइज आपको बताना है कि ये जो मीट है ये कहां पर आयोजित करी गई थी ओके क्या हो जाएगा इसका आंसर केरला और केरला के अंदर अगर आपको याद आ रहा हो तो आयुष मंत्रालय के द्वारा दौा, एक आयुर्वेदिक ग्लोबल लेवल पर मीटिंग भी आयोजित करी गई थी कोची के अंदर ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं बोरा केव्स ये आपके ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है कौन सी पहाड़ी के ऊपर है बोरा केव्स क्या बनेगा आंसर यहाँ पे अनंतागिरी हिल्स कौन सी पहाड़ियां हो जाएंगी अनंतागि हिल्स पे आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी अगला बताइए इसमें से पूछा जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग दॉज प्रीवियसली नोन एज अ लेडी विंगटन पार्क आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा पार्क है या ऐसा कौन सा गार्डन है जिसको लेडी बिलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता है आज बेटा तुम लोग को पता चल जाएगा तुम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो जो तो तुम लोग लापरवाही इतनी करते हो ना आजकल पढ़ने में आंसर क्या हो जाएगा लोधी गार्डन लोधी गार्डन के नाम को इस नाम से जाना जाता था अब बता दो तो बेटा कितने किए हो करेक्ट फटाक से आंसर करके बताओ थर्टी में से कितने करेक्ट किए अब देखो आप में से जितने लोग ऐसे हैं जो अभी इस बैच के बारे में बहुत देर से पूछ रहे थे और मैं बोली थी क्लास के लास्ट में बताऊंगी देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा ये जो बैच है ये आपके एसएससी के लिए स्टार्ट हो रहा है तो जब आप अन अकेडमी पे जाएंगे तो आपको गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा एस एग्जाम्स वहां पर जब आप मेरा नाम सर्च करोगे कृति सिंह लिखोगे तो आपको ये बैच देखने को मिलेगा कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी बैच शुरू होने जा रहा है बीस तारीख से ये बेसिक टू एडवांस बैच रहेगा बेसिक का मतलब हो गया कि हम लोग एक एक टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे पहले पॉलिटी पढ़ेंगे फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे फिर साइंस पढ़ेंगे फिर जोग्राफी पढ़ेंगे उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ठीक है तो क्या मैम सिर्फ इस बैच के लिए हमें यहाँ पे फाइव फोर जीरो जीरो अमाउंट देना पड़ेगा नहीं देखो जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको जीएस के तो सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे लेकिन साथ में मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग आप ये वाले क्लासेस भी आराम से देख पाओगे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अब आप में से जितने लोग ऐसे हैं जो रेलवे या फिर डीआरडीओ या स्टेट लेवल एग्जाम या एनडीओ और के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग भी अगर जीएस बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि इस बैच में जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई एनसीआर हो गई स्पेक्ट्रम हो गई या खुल्लर पब्लिकेशन की किताबें हो गई ये सारी की सारी बुक्स यहाँ पर आपको कंपाइल्ड फॉर्म में पढ़ाने वाले जब इस बैच को ज्वाइन करोगे तो कोड क्या यूज करना है कोड विल बी प्रति टेन तभी मिलेगा टेन परसेंट ऑफ जरा ध्यान दीजिएगा कोड अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है वो देखो दो क्वेश्चन सही है इसके बाद आप लोगों के लिए और हाँ एक चीज़ और बता दें प्रति टेन कोड यूज़ करना है अगर यहां तक नहीं पहुंच पाते हो तो मेरे टेलीग्राम पर जाइए मेरे टेलीग्राम पे इसका लिंक पड़ा है उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप डायरेक्टली बैच के सब्सक्रिप्शन पे पहुंच जाओगे टेलीग्राम क्या है अभी सेशन के लास्ट में बता रहे हैं अब देखिए यहाँ पर आपके नेक्स्ट वीक में दो नए क्लासेस जो स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी थ्योरी चलेगी दोपहर में दो बजे और दूसरा क्लास जो है वो आपका शाम को छः बज के दस मिनट प्रीवियस ईयर जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं एस एस सी रेलवे लेखपाल एनडीए यूपीएसआई सारे कवर हो जाएंगे इन क्लासेस के लिंक के लिए भी आपको सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन क्या है करेंट अफेयर्स बाइक्रती फटाक से यहाँ पे स्विच करो यहां पे जुड़ जाइए फटाक से जाके ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और इस बैच का लिंक भी यहीं पर है पीडीएफ भी यहीं पर मिलेगी सुबह सात बजे के क्लास की पीडीएफ भी यहीं पर है सारे अपडेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे और साथ में अगर कोई भी क्वेरी है तो भी आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हो ठीक है ठीक बा वो देखो शुभम जीरो मार्क्स है हद है चलिए तो थैंक्स फॉर फॉरिंग द सेशन अब आप लोगों से मुलाकात होगी कितने बजे अब आप लोगों से मिलेंगे हम लोग दोपहर में दो बजे जहाँ पे इकोनॉमिक्स का सेशन होने वाला है फॉर पौधे एनसीआरटी क्लास का लिंक टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर्ड है तो मिलते हैं आप लोगों से दो बजे देखो मैं जीएस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ बेटा मैंने सारे के सारे जो नाम लिए ना पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे हम ही पढ़ाएंगे मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग ये जो तीन आपके सब्जेक्ट्स हैं ये आप अन अकेडमी के किसी भी एजुकेटर का क्लास देख सकते हो जो भी आपका फेवरेट हो एनी एजुकेटर चाहे वो यूट्यूब पर पढ़ाता हो चाहे वो अनकेडमी पे पढ़ाता हो आप किसी का भी क्लास देख सकते हो राइट बीस तारीख से बैच शुरू है तो उससे पहले बस अवेल कर लेना चलिए अच्छा तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे दो बजे टिल देन केयर